जनाब मैं अब्दुल्ला जान जान के साथ आपके में हाजिर हूं जनाब जब हम पाकिस्तान की बात करते हैं तो एक सौ नब्बे से ज्यादा मौजूद हैं और पाकिस्तान प्रोग्रेस कर रहे आता आहिस्ता आगे की तरफ जा रहा है और अल्लाह पाक इसको एक खूबसूरत जोग्राफी के साथ साथ अल्लाह पाक ने खूबसूरत मखलूक इसको दी जो मेहनत करते हैं जो इस मुल्क को आगे ले जाने में बड़ा किरदार अदा कर रहे हैं लेकिन जब यहां पर हम आदादोशुमार को देखते हैं तो यहाँ पर मयाबियों के साथ साथ कुछ ऐसी चीजें भी हमारी जिंदगी में हमारे मुल्क में मौजूद हैं जिसके ऊपर काम करने की जरूरत है जहां पर हम अभी भी जो दुनिया का एक नंबर शुमार अगर हम इसको कहें तो उसमें हमारा शुमार उन ममालिक कुछ ऐसी चीजें हैं जो दुनिया में खत्म हो चुकी हैं जो कि खत्म होनी चाहिए लेकिन आज भी हमारे मुल्क में मौजूद है अगर हम बात करें पोलियो की तो पोलियो का जो मर्ज है वो आज भी दुनिया में दो ममालिक में मौजूद है जिसमें से एक पाकिस्तान भी है आप मेरे साथ देख रहे हैं कि यहां पर दो स्टैचू बने हुए हैं ये पहला स्टैचू यह है कि यहां पर फुटबॉल बना हुआ है और दूसरी तरफ वो है जो कि माजूर अफराद होते हैं उनको चलने के लिए इस तरह के जूतों की जरूरत होती है आज भी ये मुल्क जहां पर तकरीबन साठ फीसद से ज्यादा नौजवान हैं क्या हम चाहते हैं कि हमारे मुस्तबिल का फैसला कुछ ऐसे हमारी गलतियों की वजह से हो जो कि उनका कसूर ही ना हो एक नौजवान जो कि उभरता है इस मुल्क की ख्वाहिश उसके अंदर होती है कि उसको आगे लेके चले लेकिन हमारे यानी कि जो पेरेंट्स हैं जो माशरा है उसकी गलती की वजह से या उसकी जो हम कहें कि उसको अवेयरनेस नहीं थी उसकी वजह से उसके मुस्तबिल को हम अंधेरों में घसीट दें या उसके लिए इस तरह की मुश्किल छोड़ के जाएं कि जो आगे की जिंदगी है वो उसकी मुश्किल हो आज हम बात करेंगे कि यहां पर जो पोलियो का मर्ज है वो अब तक अगर यहां पर एग्जिस्ट कर रहा है या अब तक यहां पर मौजूद है उसकी वजह क्या है और पर जो पोलियो अफेक्टेड हैं, जो हमारे भाई हैं वो भी आज हमारे साथ हैं उनसे भी हम बात करेंगे कि जिंदगी और मुआरा उसको किस तरह से ट्रीट कर रहा है तो आज हमारे साथ रहिए आज बिलखसूस हम बात करेंगे पोलियो के हवाले से जनाब पोलियो के जो मर्ज है उसके आगाही के हवाले से प्रोग्राम है यहाँ पर दो मेरे साथ नौजवान मौजूद हैं जो कि इस जो मर्ज है उसका शिकार हुए हैं और इस हवाले से इनसे बात करेंगे असला वाले आपका नाम इज़तु ला। इज़तु ला। ये बताइए कि जो ये पोलियो आपको पता लगा आपकी फैमिली को पता लगा कि कब आपको ये मर्ज लगा आ, बड़ी मेहरबानी सबसे पहले आपका मशकूर हो कि आपने हमें इंटरव्यू लेने के लिए आए जिस तरह आपको मालूम है कि पोलियो एक ख़तरनाक मरज है पोलियो का शिकार सिर्फ मैं नहीं हूँ बल्कि पोलियो एक मुकम्मल आबादी पे उसने अटैक किया है बदकस्मती की बात है कि पोलियो इस वक्त भी पाकिस्तान में इनके केसेस आ रहे हैं और इनके खिलाफ पोलियो की जो टीम है वो बहुत ही अच्छी स्ट्रगल कर रही है ये पोलियो दरअसल में जब हम हमारी पैदाइश हुई गलिबा एक साल बाद वो पेरेंट्स को ये पता चला कि ये पोलियो अटेक हुआ है उस वक्त ये पोलियो मेरे ख़्याल से आ, पेरेंट्स के मालूम के मुताबिक वो कह रहे थे कि पोलियो नहीं थी उस टाइम जब आप पे ये पोलियो अटेक आया तो ये थी एक साल बाद हम हम पे इस पोलियो ने अटैक किया है तो आप हम इस पोलियो के ख़िलाफ़ हैं और इस पोलियो के ख़िलाफ़ हम भी बहुत सा स्ट्रगल किया अपनी है अपनी ऑर्गनाइजेशन आए इसी आबादी पर मुश्तमिल है जो सारे पोलियो हटे के शिकार है तो लिहाजा आपके तोसुद से आपने बहुत अच्छा ही प्रोग्राम आज हमें इन्वाइट जिस प्रोग्राम में किया है मैं पब्लिक को ये बताना चाहता हूँ कि ये दो कतरे ख़तरनाक नहीं है, ये डिसेबिलिटी ख़तरनाक है फ्यूचर में ये मुल्क के लिए भी ख़तरा बन सकता है माशरे के लिए भी ख़तरा बन सकता है और ये अफराद फिर फैमिली पे भी बोझ बन सकते हैं तो लिहाजा मैं अपनी सोसाइटी से और अपने वलमाएक्राम से डॉक्टरान से वला से सियासतदानों से और तमाम मकतबा फिक्र के जितने भी ताल्लुक़ रखने वाले लोग हैं उनसे ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि आए हम सब मिल कर इस मरस के ख़िलाफ़ ये आज़ीम जंग शुरू कर दें ये बहुत बड़ी इबादत है कि ये इंसानों के हवाले से है कि ये मार्ज हमारे मुल्क से खत्म हो जाए इज़्ज़त यहाँ पे बात हो रही है कि जब हम बीमारी की बात करते हैं इस बीमारी में आप क्या समझते हैं कि जो यहाँ पर पॉलिसी मेकर्स हैं क्या उन्होंने वो आगाही लोगों तक पहुंचाई है जो हुकूमत की एक जो है कोशिश होती है उनमे कराम की अपनी कोशिश होती है जैसे आपने कहा कि साल बाद आपको उस वक्त तक कन्फर्म नहीं था कि पोलियो का शिकार आप हुए हैं उसके बाद फैमिली को ऐसा ऐसा पता लगने लगा क्या समझते हैं अभी वो अवेयरनेस है जैसे पहले आप जब कह रहे थे जब आप छोटे थे उस वक्त उस तरह की अवेयरनेस नहीं थी पिछले आधवार से तो अभी बहुत अवेयरनेस है इस हवाले से स्टेट ने भी बहुत ही मुनजम तरीके से इसके इस मर्ज के खिलाफ ये जंग शुरू किया है बल्कि पूरी दुनिया में ये बहुत ही इसके खिलाफ बहुत लेकिन दुनिया से तो ये मर्ज अभी फारिग हो चुका है बदकिस्मती से दो तीन चार ममालिक में ये मर्ज अभी भी बाकी है जिसमें हमारा मुल्क भी शामिल है अवेरनेस बहुत ज्यादा है इस पे तकरीबन अरबों ट्रिलियनज मतलब इनके इतना बहुत बड़ा बजट इस पर खर्च होता है इसकी मतलब बाकी आदव से अभी आम इंसानों में भी बहुत शोर आया एक और भाई भी हमारे साथ मौजूद है इनसे भी बात करते हैं अकम्म आपका नाम मेरा नाम ख्वाज नूर है ख्वाजनूर साहब आप ये ज़रा बताइए यहाँ पे अवेयरनेस की बात हो रही है आप क्या समझते हैं कि अगर अभी भी यहाँ पर ये यह मर्ज मौजूद है और अभी भी अगर हम और आप ये प्रोग्राम कर रहे हैं तो इसमें मज़ीद आप क्या समझ कितना टाइम लगेगा कि इस मर्ज़ को हम इस मुल्क से ख़त्म करें ताकि जो पोलियो जैसा एक अनूजी मर्ज है ये बिल्कुल ही पाकिस्तान से भी ख़त्म हो जाए हाँ सबसे पहले तो मैं आपके चैनल का और आपका बहुत मशहूर हूँ कि आपने हमें टेम लिया और हम बात कर रहे हैं जिस जिसका नाम पोलियो है अवेयरनेस की बात की है अवेयरनेस जब अगर मुजना करें हम लोग नाइनटीज़ के तो अभी बहुत ज़्यादा है फोर्स भी फैला रहे हैं अवेयरनेस भी अवेयरनेस कम्पेन भी जिस तरह आप कर रहे हो जो कम्युनिटी लेवल है उसके ऊपर भी इसके ऊपर काम हो रहा है मेरा खुद अकर्राम से सियासी नमांद से, 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 से ये ये दो स्टेक होल्डर जो काम कर सकते हो मैं कर सकता हूँ ना आप कर सकते हो کیونکہ ہم ایک اسلامی معاشرے میں رہتے ہیں پانچ وقت کے نمازی ہیں اگر یہ بات ممبر سے میراپ سے یا جو مسجد کا امام ہے وہ پانچ وقت نمازوں میں ہو, وہ بات کہ تو میرے خیال سے اس میں جن وہ خطرخوہ کمی اس سکتی ہے حبيبی لوگ نہیں پلا رہے جو ہم اربن علاقوں میں اگر دیکھ لے وہ بلتا ہے کہ انجوس کا وہ اٹیکونی می دے رہے ہیں ہمارے لیے علاج کیوں نہیں وہ ارینج نہیں کرے جب سے لا بات ہے بلتا ہے ہمارا راستے کیوں نہیں وہ کالج جا رہے ہم لوگوں کو راشن کیوں نہیں دی جاتی ہے اس کے اوپر کیوں اتنا خرچ ہوتا ہے قبائلی لوگوں سے سرداران سے নবাবوں سے خانوں سے خاص طور پر, پر اولما کرام سے یہ اپیل کرتا ہوں کہ اپ اس میں جو ہے نا اس کا خیر میں اپنا حصہ ڈالیں یہاں پر بیٹھے ہوئے اعجب معاشرے میں ख़ास पर जो ईदगाह में या जो जुमे के ख़ुतबे होते उसमें अगर ये ऐलान कर दे तो मेरे ख़्याल से दो तीन महीने से ज़्यादा ये कंपेन घर घर तक पहुंच जाएगा और इसमें जो ना ख़तर खा कमी आ सकती है मैं आपसे एक ऐसा सवाल पूछने लगा हूँ जो कि मैं चाहता हूँ कि उन वाले को भी ये पता लगे और ख़ास कर जो इस चीज़ से अब भी नफ़ी करते हैं इस बीमारी से और कहते हैं पता नहीं कोई साजिश है या क्या ख्वाजनूरूर अगर पोलियो का शिकार ना होता تو اج وہ کیا کر رہا ہوتا بہت اچھا લાભ نے کیا ہے ویسے تو ہماری قسمت پہ بیل کر ہوگا اگر میں پولیو کا شکار نہ ہو سکو سکتا کہ میں کوئی اچھا اسپورٹس مین ہوتا میں فائر ہوتا میں اپنا تعلیم جو ہے نا اسی طرح سے وہ کر لیتا ریکویسٹ ہے کہ خدا اپنے بچوں کے اوپر ترس کرے اس کو پولیو کی قطرے کے لیے تاکہ وہ مستقبلی میں کوئی معذوری کا شکار نہ بنے ठीक है जनाब ये इन दोनों भाइयों की बातें थी और वाकई ये एक फ़र्ज है वालदे के ऊपर के वो पोलियो के जो दो कतरे हैं ना कि जैसे भाई ने कहा कि बच्चों पर तर्स खाए बल्कि ये उनका फ़र्ज़ है कि अपने बच्चों को हर मुजिमर से जो है हिफाजत के साथ रखे आगे भी हमारे पास यहाँ पर दोस्त मौजूद हैं उनसे भी बात करेंगे हमारे साथ रही। जी जनाब यहाँ पर मेरे साथ दो भाई और मौजूद हैं और इनसे भी हम पूछते हैं ये भी जो पोलियो का मर्ज है उसके शिकार हुए हैं ये इस बारे में क्या कहते हैं और इनसे हम बात करते हैं अल्लाम वालेकाम आपका नाम कलीम कलीम खलीम्ला बलुचितान के किस जिले से ताल्लुक है अब मेरे जिला शीन से ताल्लुक है शीन से ताल्लुक है यहाँ पर जो टेक्नोलॉजी यूज होती है इसको कोयटा ब्लॉक कहते हैं और केसेस ज्यादातर यही कोयटा ब्लॉक में ही होते हैं कोयटा शीन किला अब्दुल्ला और चमन में क्या समझते हैं कि क्यों ये इस तरफ केसेस क्यों ज्यादा है क्यों लोग जो है अपने बच्चों को पोलियो के कतरे नहीं पिलाते हमारे शीन में ज्यादातर ताल्लुक है वो भी कहते हैं कि भाई नहीं मानते हैं ये गलत है और ये मैं नहीं करता हूँ मैंने बताया हुआ है कि भाई ये इसको जो है ना लाजमी आप लोगों ने देना है नहीं।, नहीं ये अब समझते हैं साजिश है तो अगर साजिश अगर कोई करेगा भी तो वो तो आपको जो हमारे बाहर के प्रोडक्ट्स आते हैं खानों के उसके अंदर भी कर सकते हैं बहुत सी चीज़ों में कर सकते हैं तो इस दो ड्रॉप जिसके लिए उमा कराम के फतवे भी मौजूद हैं सियासतदान भी इसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लिए हैं जो हमारे इलाके के मोतबरी ने उन्होंने भी हिस्सा लिया है तो क्यों फिर समझ नहीं आ रही लोगों को यही वजह है ना अभी सुनाई बात है एक दूसरे से सुनते हैं कि ये नहीं दे रहा है ना ये अच्छी नहीं है बस फिर वो लोग भी उस पर ज्यादा डिपेंड करते हैं बस वो बातें करते हैं कि भाई फलाना नहीं दे रहे है मैं भी नहीं दे रहा हूँ गाँव में ऐसे अवेयरनेस नहीं है अच्छा अभी जैसे अभी आपको पोलियो का जो है मर्ज हुआ आप हमारे भाई हैं किसी के घर आप जाते हैं तो वहाँ पे भी वो मुकम्मल जो आप लोगों के इंतजाम हैं वो भी नहीं होते जिसकी वजह से आप अपने घर तक ही महदूद रहते हैं मॉल्स में अभी वो रैम्प बाकायदा इसम्बली में बिल पास है रैम्प्स उस तरह के नहीं बने एक्सेसिबिलिटी का भी मसला रहता है तो इन सब मसाइल का आप जिम्मेदार किस को ठहराते हैं इधरों को हुकूमत को सरकार को इसी को होना चाहिए कि भाई ये कर दे अब ये तो हम लोगों की हर मीटिंग में ये बातें होती है, रहती है काम नहीं होते अच्छा सरकार तो यहाँ तक कोशिश कर रही है कि लोगों के अवेयरनेस देने के साथ साथ जब उनका घर का मीटर उतारा जाता है कि यार ये ज़रूरी अपने बच्चों को दो फिर फिर दोबारा सरकार को गलत कहा जाता है कि देखो सरकार तो ज़बरदस्ती कर रहे इदारे ज़बरदस्ती कर रहे हैं तो इसमें मेन चीज़ हम क्यों नहीं समझ रहे कि हमारे माशरे में जो हम जिस कबाइल से ताल्लुक़ रखते हैं क्या उनका किरदार इसमें आप नहीं समझते अहम है यही तो मैं कहना चाहता हूँ कि हम लोगों ने खुद ये नहीं किया हुआ घर वाले जो है ना ये नहीं मानती तो सरकार सरकार में भी कुछ है सर आ, इस इसमें बात भी करते हैं हमारे साथ एक और भाई भी मौजूद है इनसे भी बात करते हैं अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम आपका नाम मेरा नाम हिम्मत खान हिम्मत खान नाम आपका बड़ा खूबसूरत है हिम्मत खान हम कब हिम्मत करेंगे इस पोलियो को बिल्कुल ख़त्म करने में क्योंकि पूरी दुनिया में तो ये ख़त्म हो चुका है सिर्फ दो तीन ममालिक में ये बाकी है और वो भी उन ममालिक में है जैसे अफगानिस्तान है पाकिस्तान है और मेरे ख्याल तीसरे मुल्क में ख़त्म हो चुका है यही दो में ही अभी है क्यों हम उस अच्छी लिस्ट में नहीं आ रहे कि हम इसको ख़त्म क्यों नहीं कर पा रहे सबसे पहले तो मैं आपका बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ ये बहुत अहम प्रोग्राम आपने स्टार्ट किए हैं चंद मिनट पहले मेरे एक साथी ने बात किया था कि इसमें सबसे बड़ा रोल जो है उलमा का होता है को होना है चाहिए कि ये मस्जिदों में ये बात करे खुतबों में ये बात करें जुमे की नमाज में ये बात करे और ईदगाह की नमाज में ये बात करे और घर घर हम लोगों को खुद होना चाहिए हम डिसेबल पर्सन ये दो कतरे जो है ये बिल्कुल माजूर नहीं है माजूर आप हैं आपने मेहनत करना है आपने बच्चों को आपने दूसरों को हिदायत देना है कि आप प्लीज़ ये दो कतरे लाजमी पिलाए बिल्कुल ये दो कतरे पूरी जिंदगी है अच्छा यहाँ पर आप माजूर का लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहे हैं मैं माजूर उनको समझता हूँ आप लोग तो यहाँ तक पहुँचे आप लोग अपना पैगाम लोगों तक पहुँचा रहे हैं माजूर तो वो हैं जो अभी तक इसको समझ नहीं पाए कि एक बीमारी है जिसको जहनी माजूर इसको कह सकते हैं अच्छा हिम्मत ये मुझे बताएं कि आपको जब पोलियो हुआ इसमें भी तो कैटेगरीज आती है ना कि ग्रेड वन है या ग्रेड टू आप किस ग्रेड के पोलियो के शिकार हुए मैं खुद ग्रेड है से हूँ जी मैं एक साल का था और उसके बाद वालदे ये समझ गए कि आपके पैरों में कुछ कमज़ोरी है तो वालदे मतलब हॉस्पिटल हो गया ये पोलियो के जो हमारे ऑफिसेज़ होते हैं कोयटा सिटी में वहाँ पे गए तो इसका शिकार हुए थे हम पहले भी मतलब ए, उनको एक साल बाद पता चला क्योंकि वालदेन तो वो पुराने लोग के जी जी सादे लोग थे तो बाद में ये पता चला कि ये डिसेबल हो गए ये इसका ये इस मरज के शिकार हुए हैं तो लिहाजा मैं आपके प्रोग्राम के तवसत से ये लोगों को कोईठा के आवाम को कोईटा की शेरियों को कोईटा के वालदेन को ये मैसेज देना चाहता हूँ कि खुदा राँ प्लीज़ ये दो कतरे आप लाजमी पिलवाए मतलब कुछ वालदेन ये समझते हैं कि ये दो कतरे जो है ये गुनाह हैं ये शर् नहीं है ये इस्लाम नहीं है देखो ये गलत बात है ये तर्ड क्लास बात है आप इसको पिलाएं ये ये मतलब आपके बच्चे को मुस्कबिल को बिल्कुल आगे ले जाएगा बिल्कुल जनाब जो इनकी तर्जुमानी है वो करते हुए मैं यही कहूँगा कि जो इस टाइम आप देख रहे हैं हमारे भाइयों को इनकी तो खुश नसीबी है कि इनकी पहुँच यहाँ तक है जो हम दूर दराज इलाक़ों में देखें तो जो हमारे अफ़रा बहम मज़ूरी हैं जो कि बाकायदा इस माजूरी का शिकार हुए हैं उनका अपने गाँव में अपने घर में उस तरीके से ज़िंदगी नहीं आसान जिस तरीके से बाकीियों की होती है अगर ये दो कतरे हम पिला दें तो ये बहुत सी ज़िंदियाँ बल्कि पूरे ख़ानदान को बचा सकती हैं क्योंकि ये एक फ़र्द नहीं ये पूरे ख़ानदान है हमारे साथ रहिए लेकिन अब जो खूबसूरत हमारे फूल हैं जिनका हमने ख्याल नहीं रखा जिनका हमारे माशरे ने ख्याल नहीं रखा हमारे साथ एक और फूल मौजूद है इनसे बात करते हैं असला आपका नाम मेरा नाम मासूम खान है मासूम खान मासूम खान आप मुझे बताइएगा कि आपको जो पोलियो का मर्ज हुआ वो किस ग्रेड का है जैसे भाई ने बताया और कब आपको पता लगे ځې په تاسو مې خپله پلو کې وایسي نشکار نیو آهومر کې مې ایګاتسي مې نازور وتا لکه نو وایسي پلو ولې ته موږ ګورټې جو مطلب हमारी जिंदगी में है लोग हम देखते रहते अच्छा हैं अच्छा अभी एक चीज़ यहाँ पे मैं आपसे कंफर्म करूंगा देखें यहाँ पर एक चीज़ अच्छी हुई क्योंकि हम अक्सर कहते हैं ना कि हमें पता लगे अभी आप आप बिल्कुल ठीक थे पोलियो का आपको जो है मर्ज नहीं था लेकिन आज वही तकलीफ़ात जो हमारे एक पोलियो जो बीमार हुआ है वो आप इस टाइम महसूस कर रहे हैं और उससे गुजर रहे हैं तो आप क्या समझते हैं कि इस तरह के जो एक तो हादसाती तौर पर चीज़ें होती हैं एक लापरवाही की वजह से होती हैं तो आप क्या समझते हैं कि यह लापरवाही जो वालदे की तरफ़ से है या याशरे का ख़ासकर इसमें बड़ा किरदार है आप क्या समझते हैं जिंदगी कितनी मुश्किल हो जाती है क्योंकि आप एक सही मुकम्मल ज़िंदगी से एकदम से माजूरी की जिंदगी की तरफ आए मुश्किल मतलब माजूर के फिर बहुत पेश आते हैं ज़िंदगी के हर शोबे में मतलब मामला जो भी हैं घरेलू हैं बाहर है आपने आपको तलीम हासिल करना और आपके आम से ज़िंदगी या एक काम मतलब आप दो के सारे के बगैर नहीं कर सकते हैं तो इसके लिए जरूरी है ये फिर अक्सर वो लोग समझते हैं जो खुद उसकाश्कार हुआ हो या जिसके घर में ऐसे मतलब कोई मज़ूर मौजूद हो तो उसको फिर संभालना उसके लिए मतलब वो जब तक वो जिंदा रहता है वो मुश्किल ही काशकार होते हैं तो इसलिए उसके लिए जरूरी है कि हम लोग हर मरस का ही होता है कि आप सबसे पहले एहतियात करें और परहेज़ करें ऐसी चीज़ों से या मतलब आप उसके इलाज के लिए कोई वो करें सबसे पहले एहतियात मतलब इत्यार, अगर आप एहतियात करें तो इसमें काफ़ी हद तक मतलब कमी आ सकती है बिल्कुल यहाँ पर ज़रा इस चीज़ को हम देखें लोगों का रवैया जो है खासकर जो हमारे माजूर अफराद हैं जिनको आ, हमारे इसी मुआरे ने ही कहीं ना कहीं उनको शायद उस तरीके से उनके पेरेंट्स को गाइड नहीं किया या कुछ कुछ लोग नसीब से भी इसको जोड़ते हैं कि नसीब में हमारी एक चीज़ थी ठीक है हालांकि अल्लाह ने अख्तियार आपको दिया दियाल दी ताकि कुछ अच्छे और बुरे को आप समझ सकें आप क्या समझते हैं कि लोगों का रवैया जो है जो हमारे अफराद बहम माधूरी लोग हैं हमारे भाई हमारी बहनें हैं उनके साथ उनका रवैया कैसा है रवैया तकरीबन ठीक नहीं है माशरे में इसको लोग कमतर समझते हैं ना किस समझते हैं बोझ समझते हैं आप अगर किधरी आप जाना चाहते हो आपको बस वाला आपके लिए वो मिसाल वो नहीं देते हैं कि कहते इसके लिए टाइम ज़ाय होगा या चढ़ेगा उतरेगा या आप दूसरी किसी के कि साथ जान किसी सफ़र पर जाना चाहते हैं वो आपको अपने आप बोझ बन कहते बोझ है इसको संभालना खाना पिलाना और उसके लिए मतलब हर एक कोशिश करते हैं मतलब कि उसे वो दूरी वो ये ताउन वाला वो नहीं है कि उसके साथ दें उसको हिम्मत दें उसको हौसला दें बजाय उसके वो कोशिश करते हैं कि मतलब उसे तोड़ दो तो तो रहे हालांकि तो देखिए में अगर मुझे जहाज़ चलाना नहीं आता तो मैं भी एक तरह से तो एक कमजोरी मेरे अंदर आई ना अब हर तरह से मुआरे में हर इंसान कहीं ना कहीं उसके अंदर कोई माजूरी मौजूद है अगर मैं जहाज नहीं चला सकता और एक पायलट चला सकता है तो इसका मतलब हुआ कि मैं मुकम्मल तो नहीं हुआ नहीं। तो कमजोरी हर इंसान में रहती है इंसान को ऐसा नहीं करना चाहिए हालांकि हम जब तरक्याफ्ता ममालिक को देखें हम आ, उनमें बड़ी फैसिलिटीज़ दी गई हैं जो हमारे अफराद ब मजूरी हैं रैम्प बाकायदा गवर्नमेंट ने इसम्बली में बिल पास हुआ है कि वहाँ पर एक्सेसिबिलिटी का मसला हल हो लेकिन अभी भी आपको काफ़ी इमारतें ऐसी होंगी वहाँ आप नहीं जा सकते क्योंकि वहाँ पर रैम्प मौजूद नहीं हैं वहाँ पर आपके लिए आ, जाने के लिए आसानी नहीं होती तो सबसे बड़ा मसला ये जो लोग इसे इनकार भी करते हैं या इसको खास अहमियत भी देते हैं उसकी वजह यह है कि मतलब मैं हूँ एक मतलब मेरे जहन में एक सवाल है कि अगर हुकूमत मतलब इस चीज़ के लिए वो इतना कोशिश करते हैं या लोगों लो, लो के फ़ायदे का सोचते हैं तो आपके मुल्क में दो फीसद माजूर लोग होंगे जो पोलियो का शिकार या दूसरी वजह से तो उसके लिए आपने क्या सहूलत दी है न उसके लिए रोज़गार का कोई बंदोबस्त है ना उसके लिए और आप अक्सर सरकारी इदारों में जावे दफ्तरों में या अस्पतालों में वहाँ पर उसके जाने का रास्ता ही नहीं है तो अगर आप कोई वाकई ये से मुखलिस हैं तो फिर आप इन चीज़ों को भी आप साबित करें इस ये चीज़ के मैं वाकई इन लोगों के फ़ायदे के लिए कर रहा हूँ या माजूर लोगों के लिए कर रहा हूँ या उसके जो ख़ानदान है उनके लिए कर रहा हूँ इसलिए लोग इस पर वो मतलब फिर हमारे अगर हम लोग सच बोले या उसको मान भी ले तो हमारे हुक्मरानों की तरफ से मतलब वो अक्सर ऐसी चीज़ें नहीं है हर चीज़ में लोग उस पर इतम नहीं करते हैं ये उन लोगों की वजह से भी लोग अभी यही समझते हैं कि भाई मतलब प्लानी चीज़ मामले में प्लानी मामले में हुकूमत ने हमारे साथ किया कि वहाँ पर क्यों मुखलिस नहीं है तालीम क्यों नहीं देते हैं सेहत की वसूल क्यों नहीं देते हैं। आप अस्पताल जाओ आपको एक डिस्परिंग गोली उधर नहीं मिलेगा आप इंजेक्शन आपको नहीं मिलते हैं ड्रिप नहीं मिलते हैं आपने बाजार से लाना पड़ता है तो फिर इस चीज़ पर आप इतने वो जोर क्यों देते हैं तो लोग यही समझते हैं कि इसमें इन लोगों को कोई खास मकसद है हालाँकि ये लोगों की जिंदगी को बचाने के लिए ज़िंदगी को बेहतर करने के भी लिए भी सारे खूबसूरत नौजवान हमारे साथ हैं लेकिन ये बीमारी इनके पास है आप बैठे मासूम भाई यहाँ पे एक और दोस्त हैं इन इनको भी जो है जो अफराद मजूरी हैं उनमें शुमार होता है और इन्होंने अभी ऑपरेशन कराया है कमर का तो इन बात करते हैं अल्लाम वाईक कैसे हो अहमदिल्ला आपका नाम कलमिया कलम यार, यार ये बड़ा एक तखलस है शायराना शायराना तो शायरी भी करते हैं जी अच्छा जी उस पर हम आते हैं जरा शायरी की तरफ आप क्या समझते हैं क्योंकि जो शायर है वो तो माशरे के हर पहलू को देखता है तो आप इस पहलू को जो कि हमारे लोगों की अवेयरनेस के बारे में ख़ास कर कि जो हमारे लोगों ने इसको इतना तरजीह नहीं दी इसको उस तरह से नहीं समझा कि जिस तरह समझना चाहिए पोलियो का जो मर्ज है उसके बारे में क्या कहेंगे अच्छी बात है शायर तो मशर्क के लिए एक तर्जुमान ने एक इल की रणा लोग को फैलाता है पोलियो आलाल एक बा, बाज लोग इसको ए, आराम कहता है ए, वो सियासतदान लोग वो कुछ मशरे में कोई लोग है उसको नहीं मानते ये तो अच्छी बात है मशरे से एक कमज़ोरी है मजूरी ख़त्म होएगा बीमारी ख़त्म होएगा अच्छा अब जरा हम आते हैं ज़रा बाकियों से भी बात की आपसे भी बात करते हैं इस हवाले से कि आम ज़िंदगी की अगर हम बात करें हमने चलने फिरने की बात की हमने रिश्तेदारों के रवैये की बात की हमने ये बात की अज्वाजी ज़िंदगी देखिए हर इंसान जब दुनिया में आया है उसने कल शादी करनी है कल उसने अपना घर बसाना है बच्चे हैं एक पूरा एक माशरा बनाना है आप ज़रा इस तरतीब को बताइए कि माशरे का रवैया जो हमारे अफ़राधम माजूरी है क्या उनके साथ उस तरह है जिस तरह होना चाहिए नहीं हम लोगों मज़ूर के साथ ये लोग बहुत बढ़िया रवैया रख करता है हम लोग का शफ मुखलकात है हम लोग का अकेल मुसलमान है ऐसे लोग हम, हम लोग भी ऐसे है हम लोगों से लोग बहुत कमी कर रहे हैं अच्छा ये कमी जो कर रहे हैं अब जरा हम दोबारा आते हैं अगर आपको पोलियो के कतरे पिलाए जाते और आप अगर बिल्कुल ठीक ठाक होते तो क्या ये रवैया होता लोगों का नहीं नहीं हम सारे काम से सारे लोगों से मैसेज देना चाहते हैं पोलियो पिलाओ पोलियो बहुत अच्छी चीज़ है एक कमजोरी है मजूरी ख़त्म हो बिल्कुल ठीक है कुछ अगर आप सुनाना चाहें पोलियो के हवाले से आपने लाजमन कुछ लिखा होगा बेशक पर्षों में हो लेकिन इसके हवाले से आपने लिखा होगा लाज नहीं ये पोलियो का हवाले से नहीं लिखा एक मज़ूर के, के लिए हमने एक नजम पहले दो तीन साल पहले लिखा था دمازورې ژوند راتاو ورغونېسو د بيوسي ژوند ناتقي ورغونېسو لاس پکريوان د خپل پردي را سره نه কবলوي سو غريبي را سره خاور شومینه نه پرتون نه دي هرې خاطه جوبل جوبل زړونه نه دي سدا سی سیولي خاور زهر شومزه نه د ځن شوم نه د هر شومزه صبر من طلب کوم یارستا هم آشنا قسم په خدای کړه نه بل چا هم آشنا دمازورې ژوند راتاو ورغونېسو د بيوسي ژوند ناتقي ورغونېسو बहुत शुक्रिया बहुत शुक्रिया जनाब हमने जो हमारे भाई बहन जो कि माधूरी का शिकार हुए हैं उनको मजबूत करना है और आगे कोशिश ये करनी और अहद ये करना है कि जो पोलियो है उसको हमने पाकिस्तान से ख़त्म करना है और वो ख़त्म कैसे होगा जब हम सब मिलकर अहद करें और इसको ख़त्म करने में अपना किरदार अदा करें हमारे साथ रही एक छोटी सी ब्रेक है ब्रेक के बाद वापस हैं जनाब आज हमने आज जो हमारे पर्सन विद डिसेबिलिटीज जो कि अफराद बहम माधूरी जो हमारे दोस्त यहाँ पर हमारे साथ मौजूद उनसे भी हमने बात की और बिलखसूस जो इस हवाले से काम कर रहे हैं जिनसे अक्सर गिले होते हैं जिनसे अक्सर हम ये बात करते हैं कि आया वो पैगाम नहीं पहुँच सका तो वो पॉलिसी मेकर्स या जो ग्राउंड पे इस चीज़ को पहुँचा रहे हैं पैगाम को उनसे भी हम बात करते हैं ज़रा मोहम्मद आसफ़ साहब मेरे साथ बैठे हैं इनका काम यही है कि ये इलाके में जितने रिफ्यूज़ल्स हैं या इलाके में जितने लोग इस चीज़ को नहीं समझ पा रहे उनके साथ बात

अच्छा वजह यह है कि मिसाल के तौर पर अगर हम अपनी कम्यूनिटी में चले जाएँ सबसे पहले जो है वो तालीम शर्त तालीम जो है ख्वानदगी बहुत कम है और इसके अलावा जो हमारे मीडिया के चैनल्स हैं मिसाल के ऊपर सोशल आपके जो आ, सोशल मीडिया है वो सोशल मीडिया बेसिकली हर एक के हाथ में फ़ोन है वो जो भी चीज़ उस पर अपलोड करता है बहुत सारे लोग जो है उसको देखते भी है और इजीली वो एक मैसेज जो है वो मुख्त लोगों को कम्युनिकेट भी हो सकता है तो वजह यह है कि सोशल मीडिया पे एक इस तरह की एक मिस इन्फॉर्मेशन बोलें बोले या डिस डिसफॉर्मेशन बोलें वो जो है वो आ जाती है फिर वो सारी कम्यूनिटी में जो है वो फैल जाती है तो इससे लोगों के जहनों में ख़दशात आते हैं फिर दूसरी बात यह है कि अगर हम देख लें बाकी गवर्नमेंट के जितने इंस्टीट्यूशनस हैं वो जिस तरह से काम कर रहे हैं तो कोई अगर मिसाल के तौर पर मैं मिसाल लेता हूँ कि कोई दूर दराज के इलाके में कोई बी है वो बाकी अमराज के लिए भी इतनी फंक्शनल है या नहीं है लोगों के जहनों में ख़ास कर यह शक है जब हम जाते हैं तो ये चीज़ सामने आती है कि मिसाल के तौर पर दूसरे सहूलियात हैं स्कूल की सहूलियात है बी के, के दूसरे जितने सहूलियात है अद्वियात है वो नहीं होते हैं मगर पोलियो का काम जो है वो इतना मनज़म हो रहा है एक एक घर को लोग जा रहे हैं और एक एक बच्चे को आप लोग ट्रैक कर रहे हैं पता है एक एक बच्चे का कि वो रिफ्यूज़ल है तो किस हवाले से रिफ्यूज़ल है और अगर वो जिस भी हवाले से रिफ्यूज़ल है तो रिलेवेंट लोगों को आप लोग ढूंढते हो फिर उसके पास ले कर जाते हो और पोलियो के हवाले से फिर यह है कि ये काम बड़ा मनज़म हो रहा है तो हर आदमी के जहन में ये ख़दशा आता है कि ये क्या वजह है कि लोग आके हमारे डोर स्टेप पर पोलियो के कतरे जो है वो बार बार फैला रहे हैं मगर दूसरे जो हमारे सहूलियात है रिसोर्स है वो जो है वो हमें नहीं लेके दे रहे हैं तो ये वजूहत हो सकते हैं फिर रिलीज़स हवाले से ए, लोग जो है लोगों की है के जनों में खदशात है कि ये जो है इस्लाम में आराम है या इस तरह से ये इस तर, इस तरह की भी खदशात है कि ये बच्चे को जल्दी जो है वो बड़ा कर देते हैं कुछ आ, के के उसके हैं। बच्चे नहीं पैदा होते आगे ये और खासकर मेल भी भी बच्चे पैदा नहीं पैदा ये फिर है। कहते हैं कि भाई बच्चे जो है वो पैदा नहीं होते हैं तो ये सारे खदशात जो है वो इकट्ठा हो के कम्यूनिटी में आपके इर्द गिर्द के माहौल में जो है वो गर्दिश करते हैं जिसके वजह से लोगों के जहनों में फिर ये बात आ जाती है कि अगर हम ना पिलाएं तो बेहतर है इसमें एक और वजह भी हो सकती है मिसाल के तौर तो पर अगर हम कहें कि एक बच्चा है वो बिल्कुल भी सेफ है अभी एक बच्चा है वो मिसाल के तौर तो पर मेरा बच्चा है या किसी और कम्यूनिटी के एक आदमी का बच्चा है घर का बच्चा है तो वो बुनियादी तौर तो पर सही सलामत है अभी अब लोग ये रिस्क नहीं ले रहे हैं कि अगर खुदा न खास्ता अगर हम पोलियो के कतरे पिलाते हैं तो इससे ऐसा ना हो कि ये जो बिल्कुल जो सेहतमंद बच्चा है वो माजूर हो तो ये चीज़ें भी हमारे कम्युनिटी में ये गर्दिश कर रही हैं तो इससे मैं खुद समझता हूँ जहाँ तक मुझे इलम है जहाँ तक मैंने इस पर लोगों से सुना है डॉक्टर्स से सुना है इसमें इस तरह की कोई चीज़ नहीं है तो मैं, मैं तो ये तो इसको काउंटर कैसे करेंगे हम क्योंकि अभी ये तो हमें पता चल गया कि गैप कहाँ है हमें पता चल गया मसला कहाँ है तो इसको काउंटर करने के लिए क्या स्ट्रेटेजी है गवर्नमेंट की तरफ से या जो हमारे बाकी इदारे जो कि इसके ऊपर स्पेसिफिकली काम कर रहे हैं इसको काउंटर करने के लिए क्या क्या हो रहा है अच्छा इसकी काउंटर मेकैनिज़म जो बनी हुई है ये बड़ा एक ऑर्गेनाइज्ड मेकनिज़म बना हुआ है मिसाल के तौर पर हमने सोशल मीडिया के जितने लोग हैं इंडिविजुअल्स है उनके चैनल्स हैं उनको हम ऑन बोर्ड हमने लिया हुआ है बाकायदा उनके हमने ग्रुप्स बनाए हुए हैं बाकायदा जो भी जिस तरह का कोई प्रोफोलियो वीडियोस वीडियोज़ आते हैं हम मुख्तलिफ़ कम्यूनिटी में जाके मुख्तफ़ लोगों से इस वीडियोज़ रिकॉर्ड कराते हैं मिसाल के तौर पर हम चाइल्ड स्पेशलिस्ट है ये डॉक्टर बशीर है इसी तरह आप दूसरे ले लें कोई डॉक्टर परवेज़ है यूसुफ परवेज साहब है इसी तरह आप डॉक्टर बारी साहब को ले लें डॉक्टर मोबीन साहब को ले लें तो कोयटा में कोई ऐसा चाइल्ड स्पेशलिस्ट शायद ना हो जिस उमय कराम को भी इंगेज करते हैं ये ये इस लेवल पे जो हमने चाइल्ड स्पेशलिस्ट को हमने इंगेज किया है इसके बाद हमने कराम को यानी पाकिस्तान में जितने वेल नोनाए कराम हैं इन सब के हमारे साथ पतवे भी पड़े हुए हैं रिटर्न में और इसके साथ साथ उनके वीडियो मैसेजेस भी हमारे साथ पैगाम भी हमारे साथ पड़े हुए हैं हम जब भी जाते हैं अपनी टीमों को ये सारी वीडियोस जो डॉक्टर्स के हैं जो उलमा के हैं इन सब को हम हर एक जो हमारा कारिंदा है जो न, कम्युनिटी में जाता है लोगों के साथ मिलता है तो उसके साथ ये सारी वीडियोस पड़ी हुई होती हैं मिसाल के तौर पर हम तकी उस्मानी का नाम लें तकी उस्मानी साहब की वीडियो जो है हमारे साथ पड़ी है रफ़ी उस्मानी साहब उनकी वीडियो हमारे साथ पड़ी है डॉक्टर तारक जमील साहब है उनकी वीडियो उसकी वीडियो है हमारे साथ इस तरह आप आपकेले कि के, कोटा में जितने भी वेल नोना कराम हैं उनकी वीडियोज़ हमारे साथ पड़े हुए हैं तो हम कोशिश करते हैं कि हर लेवल पे लोगों को इंगेज करें और गवर्नमेंट की तरफ से जैसे यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है वो हमारी भरपूर सपोर्ट कर रहा है कि जहाँ पे हमें जिस भी चीज़ की ज़रूरत होती है वो आप लोगों को सपोर्ट हर तरफ से, सपोर्ट, हर से कर रहे हैं अयाज़ बुकटी साहब आप क्या कहेंगे क्योंकि आसिफ साहब जो हैं हम अगर बलूचिस्तान की बात करें तो बलूचिस्तान को जोग्राफिकली दो एरियाज़ में डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है एक पश्तून बेल्ट एक बलूच बेल्ट पश्तून बेल्ट में रेजिस्टेंस जो है हमें नज़र आई है आप क्या कहते हैं क्योंकि आपका जो ताल्लुक है वो भी जो बलूचिस्तान के वो अजला हैं जहाँ पर ये बीमारियाँ पाई जाती हैं आप क्या कहते हैं कि उस तरफ क्या हालात हैं और इतना सपोर्ट जैसे आसिफ साहब ने बताया आप क्या समझते हैं क्या वो काफ़ी है या मज़ीद कुछ होना चाहिए थैंक यू सो मच अब्दुल्ला साहब बाकी सारे मैसेज तो जो है ना हमारे आसिफ साहब ने बहुत अच्छे से क्लियर कर दिया है और आवाम तक पहुँचा भी दिया है ये एक बेहतरीन तरीक़ा है क्योंकि हो सकता है पॉसिबल है हम जहाँ तक नहीं जा सकते हैं हम उन लोगों तक उन पेरेंट्स तक जो है ना पहुंच नहीं पाते हैं तो ये मैसेज मीडिया के जरिए जो है उन तक मे बी पॉसिबल है कि पहुंच सके मैं बेसिकली ख़ुद 12 साल से तकरीबन पोलियो के में काम कर रहा हूँ मुख्तलिफ अजिला में मैंने काम किए हैं ठीक है बलोच बेल्ट में जो है वहाँ पर भी मैंने काम किया और पश्तून बेल्ट में भी मैंने काम किया है तो मैंने ये देखा कि हमारे माशरे में जो सबसे ज़्यादा जो है ना पश्तून बेल्ट में जो है ना ज़्यादा रजिस्ट किया जा रहा है ठीक है जी फतवा बुक हमने इसके लिए हवाले से रिलीज़ किए मुख्तलिफ हवाले से हमने पूरे पाकिस्तान में जितनी भी हमारे बल्कि पूरे दुनिया में हमारे जितनी भी उनम कराम हैं उनके फ़त्वा हमने लिए हुए हैं बिल्कुल हमारे पास किताबें मौजूद हैं जैसा कि आसिफ साहब ने कहा तो उनके बावजूद भी रिसिस्टेंट जो लेवल है अभी भी लोगों में ज़्यादा पाई जाती है ठीक है बलोच बेल्ट में जो मैंने काम किया है वहाँ पर बहुत कम था लेकिन वहाँ पे भी है क्योंकि वहाँ पे भी वो इस्लामी हवाले से या हराम जो है उसके हवाले से कहते हैं तो ये रेसिस्टेंट अभी तक जो है पाई जा रही है दुनिया में बाकी दुनिया जितनी भी है वैक्सीन के हवाले से वो काफ़ी हद तक जो है ना आगे जा चुकी है वहाँ पे मुख्त किस्म के वैक्सीन अभी भी जो है ना वो बच्चों को वैक्सीनेट किए जा रहे हैं ठीक है शायद अगर हमारी किस्मत अच्छी रही तो वो वैक्सीनेशन आज से 10 या 15 साल बाद हमारे मुल्क में मौजूद हो क्योंकि हम अभी तक जो 25-30 साल पुराना जो मुहिम है जो पोलियो वैक्सीन है जिसको आजमुदा है जिसके रिजल्ट्स अच्छे हैं आज तक मेरे खुद अपने जो 12 साल की जो एक्सपीरियंस है उसमें मैंने देखा कि आज तक पोलियो के हवाले से कोई नेगेटिव असरा नज़र नहीं आए ठीक है हमेशा पॉजिटिव आए आप ख़ुद देख लें अब तो आजकल नेट भी है सबके पास मौजूद है ठीक है देख सकते हैं आज से 25-30 साल पहले पोलियो के केसेस कितने होते थे हर मुल्क में हमारे इवन पाकिस्तान में साल में साढ़े तीन सौ चार सौ पोलियो केसेज होते थे ठीक है जी आज आप देख लें अलहमदल्ला माशाल्लाह से हम बलोचिस्तान इस हद तक पहुंच चुके हैं कि तीन साल से हमारे इस बलोचस्तान में कोई भी पोलियो केस नहीं आया है हाँ अलबत्त अब जो है ना एक एक ऐसे माहौल में जो है हमारे जितने पूरे पाकिस्तान के हम मंथली महीने में जितने भी होते हैं नालों में जो इन्वायरमेंटल सैंपल्स को चेक किया जाता है तो पूरे पाकिस्तान में इस वक्त ये वायरस फिर दोबारा से फैल चुका है तो अब यह है कि हमें चाहिए कि इस टाइम में हम क्योंकि एक आखिरी स्टेज में हैं तो हमें ज़्यादा जो है मेहनत की जरूरत पड़ेगी हमें ज़्यादा अवेयरनेस करने की ज़रूरत पड़ेगी तो तान के लिए इसमें हम सब जो है ना चाहते हैं कि हमारे साथ जितनी भी रुमा कराम हैं हमारे साथ जितने भी कम्युनिटी के लोग हैं कम्युनिटी स्टेक होल्डर्स हैं जितने भी लोग हैं वो हमारे साथ तान करें क्योंकि आखिरी घड़ी में अगर हमने हिम्मत हार गए और हम दोबारा ये वायरस फैल गया तो हो सकता है पॉसिबल है कि हम दोबारा उस 20 साल पुराने वाले स्टेज में चले जाएं तो लिहाजा कोशिश यही होगी हम सब की हम खुद तो कोशिश कर रहे हैं बींग ए कम्युनिकेशन ऑफिसर हमारी कोशिश ये होती है कि हर हर मुहिम से पहले जो है पंद्रह दिन पहले हम ये काम स्टार्ट करते हैं प्री कैंपेन एक्टिविटीज़ होती है हमारी जिसमें हम हर घर में जाते हैं और पेरेंट्स से उन लोगों से जहाँ पे हमें शक है कि उनके जहनों में ऐसी नेगेटिविटी होगी या पोलियो के हवाले से वो उनको पोलियो को बेहतर अच्छा नहीं समझते हैं तो हम उनके साथ जाके बैठते हैं हमारी टीमें जाके वहाँ पर कम्यूनिटी मोबिलाइज़र्स हैं वो वहाँ पर जाके बैठते हैं और वहाँ पर उनको आगही करते हैं जो उनके जहनों में सवाल होते हैं वो उनके जवाब देते हैं तो हमारी कोशिश तो यही है कि हम जितना पॉसिबल है हो सके कम्युनिटी तक पहुंच सके और कम्युनिटी तक अब हमें चाहिए अब कम्युनिटी को इस सिचुएशन में चाहिए कि इस आखिरी हद में हम जब जा चुके हैं पोलियो के केसेस ख़त्म हो चुके हैं तो अब आखिरी स्टेज में ये है कि कम्युनिटी ख़ुद इतनी उसमें शहूर होनी चाहिए कि अगर कोई बच्चा फॉर एग्जांपल किसी मुहिम में रह जाए बच जाए उनको पोलियो की टीम उन तक ना पहुँच सके और वो बच्चा जो है ना पोलियो के खतरे से महरूम रह चुका है तो अब पेरेंट्स को चाहिए कि वो कंपेन के बाद जाके ख़ुद उन बीच में उन हॉस्पिटल में जहाँ पे भी वैक्सीनेशन की जाती है अब अलहमदिल्ला हम उस 20 साल पुराने वाले स्टेज में नहीं है अब माशाल्लाह हम हर हर शहर में हर यूनियन कौंसल्स में हमारे बी होते हैं जहाँ पे प्रॉपर किस्म की वैक्सीनेशन की जाती है वहाँ पे वैक्सीन मैनेजमेंट को देखा जाता है ताकि वैक्सीन ख़राब ना किए जाए हमारे मोनिटर्स जाते हैं वहाँ पे अच्छे स्टाफ ट्रेन स्टाफ बैठे हुए हैं अगर रह जाए पोलियो मुहिम के दौरान तो आपको चाहिए पेरेंट्स को चाहिए कि वो अपने बच्चे को इस हद तक जाके उस बीचू में जाके उसको वैक्सीनेट करवाएँ लेकिन हमारे अफसोस की बात यही है अभी तक अब्दुल्ला साहब कि अभी तक जो है ना पेरेंट्स में आगाही नहीं है पचास से अस्सी फीसद लोग अभी भी ऐसे हैं जो इस पोलियो को अभी भी एक मामूली सी बीमारी समझते हैं कि अगर वैक्सीनेट हुआ तो ठीक है नहीं हुआ तो कुछ नहीं है ठीक है लेकिन ये इस तरह नहीं है अगर आज आपने अपने बच्चों का ख्याल ना रखा ठीक है वो कहते हैं एक कहावत है मुश्किल को पैदा ही ना होने दें ठीक है तो आप क्यों इस तक कि किस चीज़ का इंतजार कर रहे हैं कि आपके बच्चे को खुदा खोवास्तह पोलियो हो फिर आप उसके लिए इलाज करेंगे तो सबसे पहली बात पहली बात यह है कि पोलियो का इलाज नहीं है अगर किसी बच्चे को खुदा न्वास्तह पोलियो हो जाता है वो माजूर हो जाता है तो उसका कोई भी इलाज नहीं है तो इससे बेहतरीन तरीका ये है कि आप जाके दो कतरे पोलियो के उनको पिलाएँ अपने बच्चों को और अपने बच्चों को जो फ्यूचर है वो सेफ रखें थैंक यू जी अयाज़ भुगटी साहब वाकई आपने सही बात की ये मुफ्त है शायद इस वजह से भी लोग इसको इतना सीरियस नहीं ले रहे अगर इस पर अभी पैसे लिए जाते कि हज़ारों रुपए इसके लिए होते तो शायद फिर लोग उसको उस तरीके से सीरियस ले रहे होते कि यार ये बहुत बेहतरीन चीज़ है अच्छा जबील्ला नासर साहब हमारे साथ है जबील्ला नासर साहब यहाँ पर जैसे आसिफ साहब ने कहा अयाज़ बुगटी साहब ने कहा कि इसके ऊपर काम चल रहा है लेकिन अभी भी वो जो हम बिल्कुल इसको ख़त्म करने के स्टेज पे पहुंचते हैं तो फिर हमें पता चलता है कि नए सैंपल्स आ गए और उससे पता लगता है कि इस इलाके में एक एन की ज़रूरत है या एस की ज़रूरत है जो कि स्पेसिफ़िक एरिया में होते हैं और एक नेशन वाइड होता है ये मैम होती है अच्छा इसमें ज़रा मैं ये पूछना चाहूँगा आपसे कि आप लोग क्या समझते हैं बींग द वर्कर ठीक है जो आप काम कर रहे हैं इसके लिए कितना परसेंट काम मज़ीद ज़रूरी है और कौन सा वो स्पेसिफिक एरिया है कि जहाँ पे हम काम करें तो ये बिल्कुल इन शजीज़ लोगों के अंदर भी अवेयरनेस आ जाएगी और ये पोलियो जो एक बीमारी जो कि एक नासूर हमारे मुल्क में है ये बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा अच्छा अब्दुल्ला साहब आपका बहुत शुक्रिया जब मैं थोड़ा पीछे चाहूँगा मैंने पोलियो प्रोग्राम जॉइन किया मैं इसकी एक आपको तारीख बताता हूँ मेरे अपने घर में जो है वो एक पोलियो का मरीज़ है तो जब मेरी तालीम कम्प्लीट हुई तो मैंने कहा मुझे इस तरफ आना चाहिए ताकि मैंने वो हमारी पशतों में एक मिसाल के ज़मीन वही जलती है जिस पे आग जो है लगी हो तो मैंने पोलियो प्रोग्राम 2012 में मैं यहाँ आया हूँ 2012 में पूरे दुनिया में दो पोलियो के केसेज थे जिसमें पाकिस्तान में तिरपन केसेज थे तो वहाँ से हमने स्टार्ट लिया काम करते करते आ, ये इसमें कोई शक नहीं आसिफ साहब और आया साहब ने जो बोला कि रेजिस्टेंस होती है कम्युनिटी की तरफ से लोगों की तरफ से लेकिन 2020 में हमारे पास पैंतालीस हज़ार इंकारी लोग थे इंकारी खानदान थे मतलब एक तो में ये कोई हमारे कोयटा में अच्छा सिर्फ पैंतालीस हज़ार तो वो पैंतालीस हज़ार कर कर के तीन साल में वो हम लोगों ने चार हज़ार पे ले आए चार हज़ार बच्चे चार हज़ार बच्चे सिर्फ अप्रे गए अब चार हज़ार बच्चे जो कम्पेन में हमारे पास पोलियो के कम्पेन निकारी हो जाते हैं आखिरी पाँचवें दिन तक जब हम काम ख़त्म करते हैं ये आ जाते हैं आठ सौ बच्चों पर तो हम लोगों ने ज़्यादातर इस पर जो है काम कर लिया आपने सवाल किया आपके सवाल में सबसे बुनियादी रिस्पॉन्सिबिलिटी या जिम्मेदारी वो एक फ़ादर की है उसके वालदेन की ही है कि उन्होंने अपने बच्चों की किस तरह तरबियत करनी है उसकी जो है तालीम का क्या ख्याल रखना है उसकी सेहत का क्या ख्याल रखना है पहले हमारे कोयटा में इतनी सहूलियात नहीं थी, अब सहूलियात क्या है आप अपने घर से निकलोगे पाँच मिनट के रास्ते पर जाओगे आपके पास एक बुनियादी सहूलत मरक़ होता है सेहत मरक़ होता है वहाँ पे ना सिर्फ आपको बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाए जाते हैं बल्कि बुनियादी हिफाजती टीके भी वहाँ लगाए जाते हैं दो साल तक के बच्चों को जो कि मेरे बताने या आपके बताने के बगैर वालदेन को करना चाहिए क्योंकि य बच्चों का हक है अभी इसके बारे में भी अल्लाह अल्ला पाने क्योंकि ये उन बच्चों का हक है अभी इसके बारे में भी अल्लाह अल्लाह पाक ने ख़ुद ये फरमाया कि मैं अपने हा, अपने हकूक़ हा, से दरगुजर करूँगा लेकिन हकूक लबाद से नहीं करूँगा और हम लोग भूल गए कि मैं मुझ, मुझ पे मेरे बच्चों का क्या हक़ है पहले सबसे बुनियादी हक़ ये है मेरे बच्चों का कि मतलब मैं उनको ये सेहत के जो बुनियादी चीज़ें उनको फ्राहम करूँ अब दूसरा इंप, ज़रूरी इम्पोर्टेंट जो जिम्मेदारी है सर वो आ, मेरी नज़र में मीडिया की है मीडिया को पोलियो का जो मुसबत एक इमेज है उनको उजागर करना चाहिए वालदे को यह पैगाम देना चाहिए कि पोलियो के कतरे हम क्यों पिलाते हैं इसकी बुनियादी वजह यह है कि ख़ुदा न खास्ता अगर वो बच्चा जो है दो कतरों से रह गया तो एक, एक दो कतरों से रह गया वो एक माजूरी जो है वो पूरी ज़िंदगी के लिए वो मज़ूर रहेगा और फिर में हम के, वो फिर बोझ हो जाता है मतलब वो सामने वाला बच्चा जो है वो फील करना लगता है कि मुझे सोसाइटी ने अलग कर दिया अपने आप से ठीक है तो उन सबसे पहले बुनियादी रिस्पॉन्सिबिलिटी उनके वालदे की है ज़िम्मेदारी फिर मीडिया की है फिर आके जो है जो गवर्नमेंट है उनकी है कि हर बच्चे को जो है वो जो है वो सेहत के जो है इम्पोर्टेंट या अहम जो चीज़ें हैं वो पर, पर, फराम कर सके तो ये उन लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है अच्छा यहाँ पर जैसे आपने कहा ना कि फिर हम इससे बच सकते हैं कि जो हमारे बच्चे हैं वो अगर माजूरी का शिकार ना हो अगर हम उस तरक्याफ़्त ममालिक बात करें तो शायद वहाँ पर फिर भी कुछ ना कुछ फैसिलिटीज़ उनके लिए हो यहाँ पर हमारे पास तो उस उस तरह की फैसिलिटीज़ भी नहीं है कि हम जो हमारे आ, माजूर बहन भाई हैं उनके लिए हम वो कर सकें अच्छा मैं आपसे ये आखिरी सवाल पूछूंगा उसके बाद फिर प्रोग्राम को हम आगे लेके चलेंगे आप क्या समझते हैं कि दो जो अभी शुरू है इनशाला इसमें हम पोलियो पर काबू पा लेंगे क्योंकि आप लोग उस महफिलों में बैठते हैं जहाँ पर पॉलिसीज़ बनती हैं जहाँ पर इसको ख़त्म करने के लिए बाकायदा प्लानिंग होती है आप क्या समझते हैं अच्छा अब्दुल्ला भाई इस पे मैं यकीन से कह सकता हूँ कि हम काबू कर लेंगे उसकी वजह मैंने आपको पहले बताया कि पैंतालीस हज़ार बच्चे कहाँकारी होते थे अभी चार हज़ार पे आ गए और चार हज़ार से आठ सौ बच्चों पे आ गए जो आखिर में रह गए इसमें जिली हुकूमत ने बहुत बड़ा किरदार अदा किया जो हमारे कम्युनिकेशन हमारी जो स्टाफ है हर हर महीने पर जो है कराम की एक कॉन्फ्रेंस होती है पोलियो के हवाले से डॉक्टर साहिबान की कॉन्फ्रेंस होती है वहाँ पर फिर जो इलाके के जो मोतबरीन उनकी कॉन्फ्रेंस होती है उन सब में जो है ये पैगाम दिया जाता है कि पोलियो के किस लेवल तक हम पहुँच गए और आखिरी आखिरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है बस वो जो कुछ बच्चे हमारे रह गए उनको हम लोगों ने काबू करना है उसमें एक बार फिर मैं आप लोगों से ये तो करता हूँ और दरख्वास्त करता हूँ कि मीडिया को जो है वो थोड़ा किरदार अदा करना पड़ेगा ताकि जो जिन लोगों तक हम नहीं पहुँच सके उन तक मीडिया का पैगाम पहुँच सके और वो अपने बच्चों को जो है पोलियो के कतरे जो है पिला सके जी आसिफ साहब जैसे अभी यहाँ पे जबी साहब ने भी कहा कि दो हज़ार चौबीस में इनशाला हम इस पर काबू पा रहे होंगे अब क्या समझते हैं कि ये तो एक अभी तक हमारे लिए कोई फख्र की बात तो है नहीं कि अभी तक हम जो हैं 2024 में भी पोलियो जो बल्कि पूरी दुनिया में खत्म हो चुका है और बाकी जो ममालिक थे उन्होंने जो हमसे बहुत ही पसमानदा थे जो बहुत ही हम, हमारी तरह फैसिलिटीज़ उनके पास नहीं थी हमारी तरह जोग्राफ़ी उनके पास नहीं थी हमारे बहुत से जो हम कहते हैं ना कि बहुत पीछे थे जिसको हम कह सकते हैं वहाँ से ख़त्म हुआ है यहाँ पर अब तक मौजूद होने की वजह बेसिकली क्या समझते हैं बैड प्लानिंग की बात करेंगे या हम वाले का तो बिल्कुल क्योंकि यहाँ पर जब लिटरेसी रेट है नहीं तो वो उस तरीके से उन चीज़ों को नहीं देख सकते क्या कहेंगे पाकिस्तान के हवाले से हम 99.9 परसेंट जो है वो ख़त्म करने की पोजीशन में है तो प्रोग्रेस को भी देखा जाता है सिर्फ पोलियो यह नहीं है कि केसेस आ रहे हैं तो पोलियो पे काम नहीं हो रहा हैं पोलियो पे बड़ा मुनज़म काम हो रहा है गवर्नमेंट भी इसको बड़ा तवज्जो दे रहा है जहाँ पे भी हमें रिसोर्स की ज़रूरत पड़ती है गवर्नमेंट बिल्कुल हमारे साथ फ्रंट फुट पे है मसला यह है कि मिसाल के तौर तो पर हम लें अफगानिस्तान को ये क्रॉस बॉर्डर है यहाँ पे बॉर्डर पे भी बड़े मसले होते हैं अब पोलियो जो है आपके अफगानिस्तान और पाकिस्तान में फिर ज़्यादातर अगर हम देख लें इसकी हिस्ट्री को तो ये जो बॉर्डरिंग डिस्ट्रिक्स हैं इन पर बहुत ज़्यादा है यहाँ पर ये पश्तून बिल्ट है यहाँ पे पोलियो केसेस ज़्यादा आ रहे हैं अब देख लें अभी ए, पशावर से केसेस है और वजरिस्तान से केसेस आ रहे हैं तो ये वहाँ पे क्रॉस बॉर्डर जो है लोग आते जाते हैं उसको इस तरह से हम आ, उसको टैकल नहीं कर पा रहे हैं तो ये चूंकि बड़ा जो एक बड़ा हेल्दी बंदा है वो कैरी तो कर सकता है मगर उसको उस पर असर नहीं होता है वो आके यही वायरस आपके जो बॉर्डरिंग डिस्ट्रिक्स है यहाँ पर वो लोग रहते हैं तो ये जो क्रॉस बॉर्डर हमारे लोग जाते तो तो आते जाते हैं मोमेंट है तो इससे जो है में इश्यूज बहुत ज्यादा जो चैलेंजेस है वो ये है कि हम किस तरह से इनको जो लोग अफगानिस्तान से पाकिस्तान आ रहे हैं इसको हम किस तरह से रोक लें या कि वहाँ पे तो पोलियो हमारे जो है वैक्सीनेटर जो है वो मौजूद होते हैं जो वैक्सीन पिला रहे होते हैं जो इंटर मूवमेंट होती है बॉर्डर पे अच्छा बिल्कुल बिल्कुल वहाँ पे जो कुछ पॉकेट्स है वहाँ पे तो पिला रहे हैं मगर ऐसी भी जगह हैं जहाँ से वो इलीगल जो है वो आ रहे हैं तो वो जो इलीगल लोग आते हैं इ रास्ते से आते हैं उसको फिर हम पोलियो के स्टाफ जो है उसको फिर पोलियो नहीं पिला रहा होता है तो उससे आके अब देख लीजिए ये रूट्स है आप पिशावर से होते हुए फिर कराची जाता है कराची से ये रूट सर्कुलेट करके फिर वापस कोयटा आ जाता है अगर आप अब अभ, अभी हम देख लें तो कोईटा में कोई एक्टिव केस नहीं है मगर हमारे जो सैंपल है हम लेते हैं हर महीने या जो हमारे पानी है जो हुँ। हुँ। की जो है यहां से हम नमूने लेते हैं मिसाल के से हम नमूने लेते हैं रेलवे पुल से हम नमूने लेते हैं इन नमूनों में अब फिर से ये एक चीज आ गई है कि सैंपल जो है वो एक्टिव पॉजिटिव है तो अब पॉजिटिव सैंपल से मुराद ये है कि जो भी नाली जिस भी घर के सामने गुजरती है वहां पे पोलियो का वायरस मौजूद है और उसका बच्चा जो है वो कितना वलनरेबल होगा कि वो हर टाइम आ के वो बच्चे को बच्चा जो है वो उस नाली के साथ उसका गेंद जो है वो गिरता है या कोई बेट उसके साथ वो जो है वो खेलते हैं वो नाली में है या फिर गाड़िया अंदर आती है तो वो खिदरी से वो किचड़ में आके आपके घर तक जो है वो वायरस जो है समझ रहे हैं कि पहुंच रहा है अब कुछ लोग ये समझते हैं कि वो कहते हैं कि हमारे तो भाई वेल ऑफ फैमिलीज़ है यहाँ पे जो है यहाँ पे हमारे बच्चे जो है वो इसके लिए किसी इस तरह के शिकार नहीं हो सकते तो इसके लिए ये पैगाम है कि भाई अगर आपके घर से कोई एक किलोमीटर दूर आधा किलोमीटर दूर किसी भी बस्ती में अगर किसी ने नाली से कचरा निकाला है वो जो है अभी सूख सूख के हवा में जो है अभी आ रहा है सांस तो अर बच्चा ले रहा है तो जिस बच्चे के मैदे में ये वैक्सीन नहीं है उसको ये मर्ज लाजमी हो सकता है तो हम ये कहते हैं कि भाई जो भी बच्चा हो जहाँ पे भी, भी हो जिसका भी हो वो वैक्सीनेट हो ताकि वा, वायरस को एक रूम ना मिल सके एक वो अफजाइश नस्ल के लिए कोई जगह ना मिल सके ताकि सारी कम्युनिटी से एकदम ख़त्म हो इसके लिए कोशिश हो रही है कोशिश कोशिशों से जो एफर्ट्स है बड़े ऑर्गेनाइज एफर्ट्स हैं इससे हम ख़ुद मतमिन हैं कि जिस तरह के एफ़र्ट्स हमारी गवर्नमेंट ऑफ बलूचिस्तान कर रही है या इसके साथ जो एसोसिएटेड इसुस इसुस जो यू एन की एजेंसीज हैं जैसे यूनिसेफ़ है डब्ल्यू एच ओ है बाकी हेल्थ रिलेटेड जो लोग हैं वो हमारे साथ कोशिश कर रहे हैं तो ये बड़े ऑर्गेनाइज तरीके से हो रहे हैं इंशाल्लाह हम एक्सपेक्ट करते हैं कि हम इसको ख़त्म कर इन शह जनाब यहाँ पर आपने देखा कि जो हमारे खासकर जो प्रिकॉशनरी मयर्स के हवाले से काम करते हैं या इसको रोकथाम के लिए लगे रहते हैं इसमें काफ़ी हमारे वॉल्टियर्स कह लें या जो इदारों के लोग थे जो कि इस वैक्सीन को लोगों तक पहुँचाते थे उसमें शहदा भी मौजूद है उनमें इसका खून भी शामिल है आम लोगों का खून भी शामिल है अगलों के बच्चों के लिए उन्होंने बड़ी कोशिशें की अल्लाह करे कि इस साल हम इस जो मूजी मर्ज़ है इससे हम छुटकारा पा सकें हमारे साथ रहिए आगे भी हमारे साथ दोस्त हैं उनसे बात करेंगे कलीमुल्ला खान क्या पैगाम देना चाहोगे इस टाइम आपको पूरा पाकिस्तान बल्कि पूरी दुनिया देख रही है जी मैं यही पैगाम देना चाहूंगा कि खुदा रहा अपनी बच्चों को

आप क्योंकि आपने ये दर्द महसूस किया क्योंकि आप पोलियो के शिकार तो नहीं आदसाती तौर पे आपके साथ ये वाक़ पेश आया आपको ज़्यादा पता है तो आप वाले को क्या कहना चाहेंगे वालदेन को मेरे यही पैगाम है कि अपने बच्चों को पोलियो केचरे जरूर फैलाएँ क्योंकि इस पर ना कोई खर्चा आता है ना टाइम लगता है वो आपके घर पर आते हैं लेकिन गवर्नमेंट को भी चाहिए कि इसके लिए जो जिस वजह से पोलियो फैलती है उसके लिए इकदाम उठाएँ जैसे साफ पानी कचरे उठाए व माहौल पैदा करे कि लोग खुद मजबूर है कि उसके पीछे जाए और शुक्रिया शुक्रिया अयाज बुक साहब क्या कहेंगे आ, मैं उस इन सब के लिए मेरा पैगाम है कि चाहे वो एक रिलीज लीडर हो या चाहे वो एक साथ सजा हो पूरे पाकिस्तान की जो कम्यूनिटी है मेरा पैगाम है कि हम इस आखिरी वक्त में स्टेज में पहुंच चुके हैं तो अब हम सब के एफर्ट्स की, की ज़रूरत है रह जाने वाले बच्चे जो आपके कैंपेन के दौरान रह गए हैं वो आप अपने बच्चों को जाके वैक्सीनेट करवाएं ताकि कोई बच्चा मिस ना हो हमसे थैंक यू मोहम्मद आसिफ साहब आप, आप आप क्या कहेंगे सर बस पैगाम तो यही है वालदान को भी और ओवरऑल कम्यूनिटी को भी कि आप लोग किसी भी ऐसी बातों पर जो कि गलत है उन अफवाहों पर आप कान ना धरें आपका बच्चा है माज़ूर होता है तो आप ही जि, जिम्मेवार होंगे आप ही रिस्पॉसिबल होंगे आप ही ने उसको फिर वो जो इसकी कम्प्लिकेशन है वो फिर आपने ही बर्दाश्त करनी है तो बस पैगाम यही है कि जो बच्चा सेहतमंद बच्चा हम इस पाकिस्तान को दे सकते हैं एक सेहतमंद बच्चा जो है पाकिस्तान को दें बहुत शुक्रिया जबील्ला भाई आप आप इस बारे में क्या कहेंगे पैगाम क्योंकि इस टाइम पूरा पाकिस्तान आपको दे मेरा पैगाम तमाम वालदेन के लिए पोलियो के दो कतरे हर बच्चा हर बार थैंक यू इज़त खान क्योंकि आप इस मर्ज़ से जो है जूझ रहे हैं आप देख रहे हैं कि इसके क्या जो है हालात होते हैं किस तरह जिंदगी होती है क्या कहना चाहेंगे आपके चैनल के तवसद अपने गयोर आवाम और पूरे समाज से गुजारिश है कि अपने आने वाली नस्ल की खातर पोलियो के दो खतरे ज़रूर फैलाएं इंसानी फरीजा अदा करें और अपने फ्यूचर को महफूज करें बहुत शुक्रिया जनाब ये आपने देखा आज हमारा प्रोग्राम और हमारी कोशिश भी ये थी कि आप तक हम अपनी जो एक आगाही है जो कि हम बिलखसूस बात करते हैं कि पोलियो जो एक बीमारी है जिसको अभी तक हमारे लोगों ने उस तरह के से नहीं लिया जिस तरीके से उनको सीरियस लेना चाहिए यहाँ पर काफ़ी दोस्तों ने कहा कि आप अपने बच्चों पर तर्स खाएं इस लफ्ज़ पे जरा गौर कीजिएगा कि अपने बच्चों पर तर्स खाएँ अपनी औलाद पर और जब अपनी औलाद होती है वो तो बड़ी मोहब्बत से इंसान उनका परवरिश करता है और चाहता है कि हर खुशी उन तक पहुंचाए तो अगर आप चाहते हैं कि आपके बच्चों का मुस्तबिल बेहतरीन हो तो आप अपना कौमी फरीजा क्योंकि हम पाकिस्तानी हैं पाकिस्तान के ऊपर इस टाइम ये वबा फैली हुई है और इससे हमने पीछा छुड़ाना है ना कि इंटरनेशनली हमने अपनी इज्जत और वक़ार के लिए इसको ख़त्म करना है बल्कि अपने बेहतर मुस्तबिल के लिए ताकि यहाँ पर अच्छे प्लेयर्स पैदा हों यहाँ पर अच्छे इंजीनियर्स हों पे अच्छे डॉक्टर्स हों ये सारे भी अपनी जिंदगी में अपने शोबों में बड़ा बेहतरीन काम कर रहे हैं लेकिन अगर ये माजूरी इनके साथ ना होती तो ये आज मुआरे में बहुत बेहतरीन से भी बेहतर काम कर रहे होते तो जनाब अपने बच्चों को लाजमी ये दो कतरे पिलाएं और ये मुफ्त हैं हर जगह मौजूद हैं कोशिश करें कि कोई बच्चा जो पोलियो की महम चल रही है कोई बच्चे ना सबको पोलियो के कतरे पिलाएं अपने मुल्क के लिए अपने कौम के लिए अल्लाह पाक करे कि हम सब के अंदर ये ख, जो है ख्वाहिश जागे कि हम अपने लोगों के लिए बेहतर से बेहतरीन कर सकें और इस मुल्क को बेहतर से बेहतर जगह हम पहुँचा सकें मुझे और मेरी टीम को दीजिए इजाज़त अल्लाह हाफिज़